ये वैसे तो हमारा स्कूल 45 साल पुराना है और हमने ये पहली बार अरेंज करा है, पहली बार ऑर्गेनाइज करा है। और इसका पर्पज़ ये है कि हम अपने बच्चों से उनकी मतलब उनसे मिलना चाहते थे, वो अपने स्कूल को आके देखें कि हमारे स्कूल ने कितना डेवलपमेंट करा है। तो और वो दे आर मीटिंग टुगेदर ऑल्सो, हर अपना हर बच्चा अपने बैचमेट के साथ मिल रहा है, इन्जॉय कर रहा है। ये मतलब हमारा एम था। कितने छात्रों ने हिस्सा लिया इसमें? इसमें देखिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो इनिशियली 600 लोगों का हुआ था और उसमें से हो सकता है कि कुछ ना भी आए और कुछ ज़्यादा भी आ रहे हैं। ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी आ रहे हैं। हेलमेट से क्या फ़ायदा होगा पूर्व छात्रों को? नहीं, पूर्व छात्रों को देखिए एक तो कनेक्शन अपना स्कूल के साथ रहना चाहिए और उनको उनको मतलब एक दे फील प्राउड कि भाई हम कहाँ से पढ़े हैं क्या हैं। तो इसी का रीज़न कि मतलब इवन USA से, कनाडा से, दुबई से सारे बच्चे आ रहे हैं और अपने वो चाहते कि हम अपने स्कूल को देखें, अपने अध्यापकों से मिलें, उनको इज्जत दें और अपने बैचमेट से मिलें, क्योंकि इट इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम। और तो फ़ायदा यही है कि मैं अपने पुराने बच्चों को देख रही हूँ कितने सक्सेसफुल हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं जो बहुत मतलब एवरेज उस पर होते थे लेकिन आज वो बड़े टॉप के डॉक्टर बैठे हैं, ऐसे भी बच्चे मेरे को मिले हैं अभी। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो इससे कुछ फ़ायदा होगा कैसे? नहीं, ऐसे है कि बच्चे आपस में मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को जानेंगे, उससे क्या होगा कि एक दूसरे को, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनको, उन बच्चों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा कि भाई वो अपना अपने प्रोफेशन में, उनके प्रोफेशन में आएंगे, उनको जॉब भी दे सकते हैं, उसको रोज़गार भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का एक नेटवर्क बढ़ेगा। थैंक यू।